नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एलन मस्क का एक रिसेंट ट्वीट जिसने कोहराम मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो ट्विटर के बाद कोको कोला को खरीदने जा रहे हैं और कोको कोला में वापस कोकीन मिलाया जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वापस कोकीन मिलाया जाएगा, मतलब पहले कोको कोला में कोकीन मिलाया जाता था। बात करते हैं कोकीन की। कोकीन कोका के पत्तों से बनने वाला एल्कलॉइड है जो हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है। अब बात करते हैं कोको कोला की। 1885 में कोको कोला को सबसे पहले मार्केट में लाने का श्रेय दिया गया था फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन को। जॉन पेम्बर्टन पहले आर्मी में कर्नल हुआ करते थे, फिर अमेरिका में एक सिविल वार हो जाता है और उस सिविल वार में वो जख्मी हो गए और उन्हें अफीम की उस समय लत भी लग गई और उन्होंने इसके लिए बनाई सबसे पहले फ्रेंच वाइन ऑफ कोका। 1886 में यूएसए में शराब को बंद कर दिया गया। अब उन्हें कोई एक ऐसा ड्रिंक चाहिए था जिसमें कोकीन भी हो और वो नॉन एल्कोहलिक भी हो, इसलिए वे कोका कोला को लेकर आए। क्योंकि कोको कोला में पहले जो कोका की पत्तियां होती थीं और कोला के बीज, कोका की पत्तियों में 1% तक अफीम होती है और कोला के बीज में 2.5% तक कैफीन। यूएसए में कोको कोला को सिरदर्द, खट्टी डकार और अफीम की लत के विकल्प के तौर पर पेश किया गया। बाद में 1903 में काफ़ी विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर इसमें अफीम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और बाद में कोका की पत्तियों से कोकीन को अलग करके इसमें यूज़ किया जाने लगा। लेकिन साइंस कहती है कि किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को अलग करना 100% संभव नहीं है। हो सकता है वो चीज़ 99.9% अलग हो जाए, फिर भी 0.1% उस इंग्रेडिएंट्स की रहने की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन ये सभी चीज़ों के बाद भी अगर गौर किया जाए तो फिर भी क्या उसमें कोकीन है? इसका मतलब है कि कोकीन को 100% तो अलग नहीं किया जा सकता। अब कोको कोला में क्या क्या मिलाया जाता है वो आपको बॉटल पर लिखा मिल जाएगा, साथ ही वहाँ पर लिखा होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अब ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको नहीं पता लगेंगे कि कौन कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको सोच समझ कर छुपाया गया है। कौन कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं अगर इसका फार्मूला जानना हो तो ये फार्मूला अटलांटा के जॉर्जिया में सन ट्रस्ट बैंक की तिजोरी में बंद है। तो कोक में कोकीन है या नहीं इसकी जानकारी तो इस बैंक की तिजोरी को खुलने के बाद ही पता लग सकती है। लेकिन एलन मस्क ने ये तो जाहिर कर ही दिया कि कोका कोला में पहले कोकीन हुआ करती थी। उम्मीद करते हैं इस प्रकार की खबरें और ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।